राजकीय संस्कृत परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज श्याल की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से उनके निवास ओक ओवर पर मिला। उन्होंने शास्त्रीय व भाषा अध्यापकों को टीजीटी पदनाम देने के बारे में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान मनोज ने कहा कि यदि इस बात पर बजट सत्र में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। राजकीय संस्कृत परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज शैल की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से उनके निवास ओक ओवर पर मिला। उन्होंने शास्त्रीय व भाषा अध्यापकों को टीजीटी पदनाम देने के बारे में मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी सौंपा। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में शास्त्रीय व भाषा अध्यापकों को टीजीटी पदनाम दिया गया है, लेकिन हिमाचल में अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अध्यापक जिस पद पर नियुक्त होते हैं उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरे सेवाकाल में पदोन्नति का अवसर प्राप्त नहीं होता। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया है कि शास्त्रीय व भाषा अध्यापकों को टीजीटी पदनाम दिलाने के लिए सरकार कार्य करे। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी भर्ती की जाए उन्हें नियमों के आधार पर किया जाए। में हमारी 1985 के दशक से मांग चली है कि शास्त्रीय और भाषा अध्यापकों को टीजीटी पदनाम दिया जाए। उस टीजीटी पदनाम देने के संदर्भ में आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, शिक्षा मंत्री जी से मिले और शिक्षा सचिव जी से मिले और हमने ये कहा कि आप पहले वित्त की समस्या को आड़े लाते थे, लेकिन अब वित्त की समस्या का कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि वित्त आड़े आ रहा है, तो अब हमें ये पदनाम मिल जाना चाहिए। तो इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमने जो ज्ञापन दिया वो प्रधान सचिव शिक्षा को जो है उसी समय अग्रसरित किया कि इस विषय को हम शीघ्र करेंगे, लेकिन ऐसा बार बार हमें आश्वासन मिला है, लेकिन अब हम ऐसे आश्वस्त हैं कि यदि हमें मिल जाता है तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, लेकिन यदि ये पदनाम हमें नहीं मिलता है तो फिर हमें अपना सौम्य रूप जो है वो त्याग करके जो है कुछ दूसरे विकल्प की ओर हमें जाना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से आशा निमित्त हैं कि सरकार हमें इस पदनाम को देगी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा वालों को जब ये पदनाम दिया गया है, अंग्रेजी पढ़ाने वाला टीजीटी हो सकता है तो हिंदी और संस्कृत पढ़ाने वाला क्यों नहीं हो सकता हिमाचल में, जब यहाँ की प्रथम और दूसरी राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। सरकार को हमने ज्ञापन के माध्यम से एक मास का अंतराल दिया है कि एक मास के अंतराल में इस पर कोई सार्थक परिणाम आना चाहिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक होनी हो वो बैठक हो, उसमें हमारे प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। यदि वो नहीं होता है तो फिर हम बस से पहले जो है दूसरे विकल्प की ओर जाएंगे। हिमाचल के यहाँ पर लगभग 10,000 शास्त्रीय और भाषा अध्यापक हैं इस समय, उन सभी की ये मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।